इसके बाद और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के साथ है, पी क्यू का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है 36, इस ट्रायंगल की पेरीमीटर भी दे चुके हैं। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू का पी क्यू आर एच, मतलब इस ट्रायंगल की पेरीमीटर ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा आपको चूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड की रेशियो इक्वल होते हैं। अब इसकी पेरीमीटर कितना दिया है मेरे को 36, इसके जगह में 36 रख दीजिए, इसको पता नहीं एक्स मान लीजिए 8y6, इतना तो क्लियर। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, 8x इक्वल्स टू 36 इंटू 6। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 6 अपॉन 8। 4 से काटोगे तो ये 2 और ये कितने हो जाएंगे 9, 2 से काटोगे तो 3, 9 3 20 7। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है 27 है, तो बी ऑप्शन सही है। देखिए इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन द सी इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, तब सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये रियल इक्वल जब होंगे तब क्या होता है कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है, सी का, तो आप क्या करेंगे, माइनस 4ac को इस साइड में रखिए, बी स्क्वायर को उस साइड लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट, सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो मैं 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं ऐसे कंटिन्यू मैथ का सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मीडियम सब सॉल्व करवाऊँ।